हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पालक को कैसे घर में ग्रो करें ये बताऊंगी, तो लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखें। ये देखिए, मैंने एक प्लास्टिक के गमले में हमारी मिट्टी को रेडी कर लिया है। यहाँ जो मैंने मीडियम सॉइल यूज़ किया है, वहाँ मैंने 80% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट और 20% खाद ली है। आप कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कंपोस्ट यूज़ किया है। सबसे पहले तो आपको जब बीज लगाना है, तो उसके लिए आपकी जो मिट्टी है बहुत ही सॉफ्ट और भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे जो पानी है वो नीचे आराम से निकल जाए। पानी कभी भी नीचे इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। अब ये देखें, ये मेरे पालक के बीज हैं। आपको ये किसी भी बीज की दुकान पर मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पूरी ग्रोथ बताऊंगी, पूरे 1 मंथ की ग्रोथ। सबसे पहले तो मैं बीज दिखा रही हूँ आपको, लेकिन फोकस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। आप बस ये देखें कि मैंने बीज कैसे ग्रो किए हैं। बहुत ही आसान है ग्रो करना। यहाँ जो मैंने मिट्टी रेडी करी है, उसको अच्छे से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ा थोड़े होल बना लेंगे, छेद बना लेंगे, और सभी छेदों में दो दो तीन तीन हम बीज डाल देंगे। ये जो पालक होती है वो जितनी घनी होगी उतनी ज़्यादा एक दूसरे पत्ते एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे, और ये उनके पत्ते लटकते नहीं हैं। फिर आप 10 दिन के बाद ही देखेंगे कि इनमें स्प्राउट्स आ गए हैं और इनकी जो लीव्स हैं वो बड़ी हो गई हैं। ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती हैं ये प्लांट्स। ये देखिए, मैंने बीजों को अच्छे से फैला दिया है। अब चाहें आप तो इसके ऊपर एक परत और मिट्टी की डाल सकते हैं, या फिर जो बालू होती है वो डाल सकते हैं, पर मैंने इसी मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया है। मैंने एक बार ये ग्रो करके देखी और फिर मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सफल रहा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंस। 1 मंथ में मेरी जो पालक है उसकी लीव्स बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी हो गई। ये देखिए, मैं बस ऊपर नीचे कर रही हूँ कि हमारे जो बीज हैं बस वो हमें दिखे नहीं। ये देखिए, बहुत ही इजी है ये सब करना, प्लांट और वेजिटेबल्स घर में लगाना। मैंने भिंडी, मटर, मिर्ची, टमाटर सभी लगाए हैं और सभी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो सारी बीजों से लगाई है। धनिया मैंने घर के बीजों से लगाई है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। उसका वीडियो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए, ये पूरे 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आप देख रहे हैं हमारी पालक कितनी छोटी छोटी पत्तों में निकल आई है। आपको जो अलग से यहाँ पर रेडिश दिख रहा है, ये मैंने बीटरूट चुकंदर के बीज लगाए थे, वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए, पालक कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। जितने आप पास पास में बीज लगाएंगे वो एक दूसरे के प्लांट का उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। ये मेथी है। ये देखिए, आफ्टर 25 डेज हमारी पालक के पत्ते कितने अच्छे से बढ़ गए हैं, कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा बीटरूट भी अच्छे से बढ़ रहा है। बीटरूट जो है वो ज़मीन के इसके गमले के अंदर होगा, जब वो निकलेगा, जब मैं उसकी भी आपको वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए, पालक कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जब भी आप पालक में पानी डालें तो स्प्रे बॉटल से डालें, जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे बेबी स्पिनिच थे वो बिल्कुल भी उनको डैमेज ना हो। जब आपकी बेबी प्लांट्स निकलने लगे इसमें से, तब आप इसको धूप में रखें। कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप लगना चाहिए इसमें, ये उससे और अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखिए, मैं स्प्रे बॉटल से इसमें स्प्रे करती हूँ। अगर ज़्यादा गर्मी है आपके यहाँ तो दिन में सुबह और शाम 2 बार करिए, और अगर मौसम ठंडा है तो बस 1 ही बार काफ़ी है। पर धूप में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप पौधों में
प्लांट्स में पानी डालें जब धूप नहीं होनी चाहिए, या शाम को डाल दें या सुबह सुबह डालें, क्योंकि धूप में पानी डालने से प्लांट्स जल सकते हैं, उनको डैमेज हो सकता है। ये देखिए, आप लोग भी सीखिए और घर में लगाइए सब्जियाँ और मज़े लीजिए अपने घर की सब्जियों के। थैंक यू।